तीन तीन ऑन ना, तीन ऑन तीन ऑन, तीन बार करूंगा तो दबा देना ठीक है। मैं आशीष को बता रहा था कि एक जगह से बीच में पत्थर को मतलब पहाड़ को काटे हैं बीच से, और इधर रास्ता बना, पहले रास्ता उधर से था लेकिन अब इधर से बना है। और भाई साहब क्या लगता है भाई, कसम से बता रहा हूँ, आप ऐसे रहोगे तो आपको लगेगा कि आप वैली की नहीं, वैली से नीचे साइड से जा रहे हो। और क्या कूल दिख रहा है, क्या आप स्काई देखो, स्काई पूरा इतना अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। लेकिन बस दिक्कत यह है कि धूप थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी तो व्यू हमको मिल ही रहा है तब से। और बस अब सीधा इसका कटघोरा है, जल्दी कटघोरा पहुंचते हैं, फिर देखते हैं स्टॉप लेना है नहीं लेना है। यहाँ आज तक का सबसे स्लो एंड स्लो पहुँचने पहुँचूँगा इस बार मैं, क्योंकि मैं बहुत देर जा रहे हैं, मस्ती करते जा रहे हैं, बकर करते जा रहे हैं। पहले तो ट्रैवल करते थे जहाँ मेन पॉइंट, जैसे हम लोगों को बिलासपुर जाना था, बिलासपुर पहुँच के थोड़ा सा ब्रेक लिए, इधर ब्रेक लिए, अब तो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। जहाँ फोटो खिंचाने के बनवा फोटो खिंचा रहे हैं। ये कैसा है भाई, ये बुलेरो मेरे पास भी है तो बुलेरो का अच्छा जो गार्ड है उसको मैं एक्सटेंड करा के बाहर करा है, तो पास से देखना पड़ेगा दिखता कैसा है। और सच बताऊं तो बहुत बेकार दिख रहा था गार्ड, बहुत ज़्यादा बेकार, उससे बड़े तो नॉर्मल बुलेरो का ठीक दिखता है। ओके सो हम लोग हैं अभी कोरबा के बाईपास में, और बाईपास ये रहा, ये यहाँ से हम लोग जाएंगे रायपुर की तरफ, और बस थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए क्योंकि हमारे बम्बू में दर्द हो गया था, तो दर्द के कारण थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं अभी। रोड तो बड़े अच्छी है लेकिन कोरबा कटघोरा के बाद रोड ख़राब है, तो देखते हैं कैसा क्या रोड है। देख रिकॉर्ड हो रहा है। वाइपर लगवाना पड़ेगा एक तो लगता है। ओ यार मैं बड़ा पिक्चर देखा है, क्या हुआ, पहन लेते हैं। ओ यार कहाँ पहने, हाँ सो हम लोग बिलासपुर से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर है फिलहाल, और यहाँ पे बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है तो चक्कर में हम लोग यहाँ रुकना पड़ गया, ये फोकस का बड़ा इशू हो रहा है, तो ये दिक्कत हो गया है। और यहाँ पे अभी चाय पी रहे हैं, चाय ये आज तीसरा या चौथा चाय हो गया है, और सबसे लेट इस बार हम लोग मतलब पूरी लाइफ में मैं इतना ब्रेक नहीं लिया हूँ कोई भी ट्रिप में, हर थोड़ी दूर के बाद ब्रेक, हर थोड़ी दूर ब्रेक, यही चल रहा है। और बाकी लोग वहाँ पे और लोग सब अपना अपना चाय और पी रहे हैं बढ़िया से, बस अब चाय पीते हैं, देखते हैं बारिश थोड़ा कम हो, क्योंकि हम लोग में से तीन लोगों में से एक बंदा रेनकोट नहीं पकड़ा है, तो इसलिए अब उसको अकेले थोड़ी दूर खाते हुए ले जाते हैं, तो इसीलिए अब थोड़ा सा वेट करते हैं बारिश हो जाए या बारिश को सिग्नल जाए तो कवर करके थोड़ा बहुत चलता है,
मेन बिलासपुर पहुँच जाए तो वहाँ स्टे करने के लिए है, बाकी लोग रायपुर नहीं भी जाएंगे तो कोई इशू की बात नहीं, क्योंकि लोग रायपुर निकलेंगे हम लोग बिलासपुर स्टे करेंगे। आई का सीन अब देखते हैं, गोप्रो में अंदर रख दिया, बारिश हो रही थी क्योंकि माइक पोर्ट खुला हुआ था, और जब पीछे खराब हो जाएगा चलते हैं हम आगे, आगे नहीं थोड़ा वेट कर लेते हैं, मतलब उसका देखते हैं कि क्या सीन, उसके बाद फिर आगे का आपको भी आप आगे रास्ते में बताते हैं, ठीक है। ओके सो हम लोग बिलासपुर से हैं करीबन 20-22 किलोमीटर दूर, और अभी थोड़ा सा क्या हुआ, फिर से मम्मी में दर्द हो गया तो फिर रुके हैं थोड़ा सा वेट करने के लिए, क्योंकि रोड इतने पैथेटिक हैं कि आप क्या बोल सकते हैं। तो गाड़ी यहाँ पार्क है, मैं अपनी कंडीशन दिखाना चाहूँगा, तो एक बार आप जूते का कंडीशन देखिए, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरा जूता और ये मेरा पैंट, तो ऐसा कुछ हो गया है हाल। और फिर अब ज़्यादा नहीं, अभी फ़िलहाल 20 किलोमीटर के आसपास ही है, 20 किलोमीटर ही होना चाहिए, और पहुँच करने के बाद सीधा खाना वाना खाएंगे और देखते हैं कि उसके बाद आगे का प्लान क्या है, क्योंकि आज रेस्ट करेंगे और जिनको देखने वाले उनको देखने दो, खिंचवाना भाई फ़ोटो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यहाँ रुके हुए हैं थोड़ा सा फिर से फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि अब अपने को कोई देरी तो हो नहीं रहा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखो, देख आशीष भाई का मैं पैर दिखाता हूँ भाई का, मतलब आप ऐसा सा बाइकर देखोगे छड्डा वड्डा में आता है, हाँ तो शॉर्ट्स भाई के थोड़े से बड़े हैं, नहीं तो बॉक्सर पहन के आता तो फिर भाई तो अंदर तक पानी ले बैठता तो अब चलते हैं सीधे सीधा, अब स्टॉप ले लेके क्योंकि अब बहुत दर्द दे रहा था, तो क्या करें, आप चलते हैं भाई। तेरी भैंस की टांग, गजब गंदा हुआ है, कैसे चक्का होगा देखना पूरा, वो भी दब गया, वो भी हो गया, पूछ तो हुआ कैसा। बाप रे, टूट गया पूरा अलॉय, टूट गया है। इधर का निकल गया। चल, रगड़ाया है ना, अच्छा उसमें रगड़ाया है, जब वो हुआ ना पीछे का टूटा तो उसमें रगड़ाया है, वो देखना डिवाइडर में देख, बीच में देखना, बैठ, बच गए वो दोनों लोग, किसी कुछ नहीं हुआ। ओके सो बहुत रिकॉर्ड हो रहा है क्या, बहुत वर्स्ट एक्सीडेंट था, लेकिन हुआ किसी कुछ नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि पीछे का जो अलॉय व्हील होता है वो टूट गया, और फिर डिवाइडर से दे टकराए हम लोग, और उसके बाद गाड़ी इधर बीच रोड में आ गए, और ताज्जुब की बात ये कि चार के चार चक्का एक साथ है, और लेकिन ये है कि होपफुली किसी को लगा नहीं और सब सेफ है, तो सब बस आराम से रहें और सेफ चलें, और अपनी गाड़ी का बार बार चेकअप कराते रहें कि ऐसा इंसिडेंट कभी दोबारा ना हो। We'll be right back.
चले चल पगला है, काटा है रोड में खड़ा करके। तेरी भैंस की अबे साला बम्पर में नहीं पड़ा, सीधा अंदर ही घुस गया साला। आ रहा सुन क्या फोटो ले लेना यार, आ गया।